हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ मेहंदी का पेस्ट शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, वही मेहंदी, ऑर्गेनिक मेहंदी। ये हमारा मेहंदी ना ऑर्गेनिक मेहंदी है, जो हम लोग हैंड पर यूज़ करते हैं, ब्राइडल के लिए खास तौर से यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें फोर चीज़ चाहिए होगा। पहले तो नीलगिरी का ऑयल, हिना पाउडर, शुगर और पानी। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक चम्मच अगर हिना पाउडर लेते हैं तो उसमें क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप चीनी का कर सकते हैं। चीनी के इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है इसमें। तो एक चम्मच अगर हिना पाउडर है तो इसमें हम इतना शुगर डालेंगे। ओके, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अगर एक चम्मच हमारा हिना पाउडर है ना, तो इसमें हम 2 टेबल स्पून या फिर 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे, क्योंकि हमें ऑयल भी इसमें ऐड करना है, इसलिए हम इसका कंसिस्टेंसी सही रखेंगे, गाढ़ा ही रखेंगे। हाँ, इसे बहुत पतला नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी पड़ेगा। ये देखिए हमारा पेस्ट हो गया। अब इसको खूब अच्छे से हम लोग फेटेंगे। बहुत देर तक फेटना है, कम से कम 5 मिनट। इसको अच्छे से फेटने के बाद देखिए ये कितना थिक है, इतना ही थिक आपको बैटर तैयार करना है, वरना बहुत पतला हो जाएगा तो इसका पेस्ट ख़राब हो सकता है। उसके बाद हम इसमें चीनी, ऑयल सब एक साथ डालेंगे। अब ये हमारा तेल, नीलगिरी ऑयल है, इसको हम जितना हमने चीज शुगर लिया था उतना ही हमें ऑयल भी डालना है। ओके, ये हमारा हमने ऑयल भी ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से फेटेंगे, बहुत अच्छे से फेटेंगे। इतना फेटेंगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। और आप चाहो तो चीनी को पीस के भी रख सकते हो। ये फेटते फेटते देखिए हमारा मेहंदी थोड़ा पतला हो रहा है। ये हमारे क्लाइमेट, हमारे वेदर पे भी डिपेंड करता है। अगर गर्मी का दिन है तो ये काफ़ी नमी छोड़ता है, तो ये पतला हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा ही घोल के रखना पड़ता है। अगर ठंडी का दिन है तो मॉइस्चर इसमें ज़्यादा नहीं आता। इसको हम लोग ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देते हैं। कम से कम 24 आवर रखना पड़ता है हिना पेस्ट को घोलने के बाद, ताकि ये मेहंदी अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अगर आप चाहें, 24 आवर का टाइम नहीं है आपके पास, अगर आप चाहें तो आप इसको कम से कम 6 आवर के लिए भी रख सकते हैं। इतने से हमारी कितना स्मूथ एक पेस्ट तैयार हो गया है। अभी हमारी मेहंदी काफ़ी गाढ़ी है, इसको इतना गाढ़ा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी और ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा। ये पानी हमारा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम फिर अच्छे से फेटेंगे। इतना अच्छे से फेटेंगे, इतना अच्छे से फेटेंगे कि कम से कम इस मेहंदी में लम्स आने लगे। देख सकते हैं हमारी मेहंदी काफ़ी स्मूथ हो गई है, और ये हमें ब्राइडल को लगाने के लिए रेडी है। आप ये सोच रहे हो ना, बट ये रेडी नहीं है। इसे हम कल जब वापस से रात भर ओवरनाइट सोक करने के लिए रखेंगे, तो मॉर्निंग में फिर इसे चेक करेंगे कि ये गाढ़ी है या फिर पतली। तो इसमें थोड़ा सा हो सके तो और पानी, मेरे हिसाब से लग रहा है, पड़ेगा। देखिए पहले हमारी मेहंदी में लम्स नहीं थे, अब हमारी मेहंदी में देखिए कितने लम्स आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना। इसका मतलब आपका मेहंदी बहुत अच्छा ही फेटाया है। इसको और फेटना है, कम से कम 10 मिनट फेट के आप इसे रख दीजिए, रात भर रख दीजिए। फिर जब आपको क्लाइंट को लगाना है, उसके पहले आपको अच्छे से फिर फेटना है, और फेटने के बाद इसे आप अपने कोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही सारे छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे अगर हमारा ये टिप आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। मेहंदी तो हमारी घोल के तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी, आप चाहो तो पिसी हुई चीनी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हल्का सा पानी ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा ना मात्र के पानी ऐसे करके हम इसको रख के अब इसको किसी ढक्कन या फिर कैप की मदद से बंद करके, ऐसे बंद करके रखेंगे ना कि इसमें एयर कंटेनर
हो जिसमें हवा ना लगे, बिल्कुल भी इसमें हवा पास ना हो। आप चाहो तो टिफिन में भी घोल के रख सकते हो, नहीं तो आप एक प्लास्टिक रख के उसके बाद से आप ऐसे लॉक करके रख सकते हो।